तो रेडमी 7 कल लॉन्च हुआ था चाइना में, आज देरा मार्केट में स्टार्ट हो गया सेलिंग के लिए, और पहले ही दिन क्या पहले ही घंटे ऑलमोस्ट स्टॉक खत्म होने को आ गया। मैंने भी 3 पीसेस यहाँ पर बाय किए हैं, किसके लिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद सलीम आपके साथ। जनता लाइक बनता लाल को काला बनता। दोस्तों आपने वो कहावत सुनी होगी, कर भला तो हो भला। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ दूसरे ही भला करें मैं ना करूं, या जब दूसरे करेंगे अच्छा तो तब ही मैं करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आपको नेकी करनी चाहिए और दरिया में डालनी चाहिए, आगे से वो आपकी हेल्प करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने 3 पीसेस बाय किए, हालांकि इनमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाई और दूसरों की हेल्प करने के लिए। ये पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए। रेडमी 7 यहाँ पर मैं जो पहला पीस बाय किया है ये क्या है, C4 Attack। हालांकि C4 Attack मेरी बहुत ही हेल्प करते हैं तो उसके लिए तो बनता है भाई, ज़रूर से मैं उनके लिए बाय करता हूँ। उसके बाद जो दूसरा पीस मैंने बाय किया है, ये बाय किया है मैंने ट्रैक एंड टैक। अरुण भाई अच्छे भाई हैं, ठीक है, कभी हेल्प करें ना करें, कभी ऐसा कोई भी मौका आया नहीं कि मेरी हेल्प करें, अगर नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है भाई, मैं हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे ये अच्छी खुशी हो रही है। दूसरा मैंने लिया है अरुण भाई के लिए, कौन सा नाम था चैनल का, ट्रैक एंड टैक। हाँ अभी ये जो तीसरा है अपने रोहित भाई बोल रहे थे कभी हाँ कभी ना, इन द एंड बोलते थे चलो ठीक है भेज। तो यहाँ पर 3 पीसेज यहाँ पर मैंने बाय किए हैं, प्राइस थोड़ी सी ओवर थी तो ठीक है कोई बात नहीं। अब शर्मा जी टेक्निकल ने अपना ऑर्डर कैंसिल करा दिया एंड मौके पर, उनका चलो मुझे नहीं चाहिए लेट हो जाएगा। फिर गैजेट्स ऑफ व्यूज ने भी कह दिया कि लेट हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं रेडी हूँ सभी यूट्यूबर के लिए, भले वो मुझे रिटर्न में हेल्प करें अच्छी बात है, रिटर्न में हेल्प ना करें कोई बात नहीं। हमारे दी ग्रेट जो दुबई में रहते हैं मैं उनके लिए भी रेडी हूँ, उनको भी मैं डिलीवरी करने को तैयार हूँ। कहाँ पर वो बोलते हैं दी ग्रेट ने अपना ऑर्डर नहीं करवाया, अगर बोलते मेरे को मैं ये नहीं बोलता कि तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरा रेडमी नोट 7 को बैंड कर दिया, तुमने मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तुमने ये किया, मैं ऐसी कोई बातें नहीं करता। ठीक है यार मैं चलो ठीक है, अपने ग्रेट हैं मैसेज कर रहे हैं तो मैं बोलते कहाँ पर डिलीवरी करना, मैं कर देता हूँ। दिल बड़ा रखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरी हेल्प कर रहा है रिटर्न में नहीं कर रहा है। दोस्तों स्टॉक खत्म हो गया है, अब कल स्टॉक हो सकता है कल आ जाए, नया स्टॉक परसों आ जाए, प्राइस यही रहे, प्राइस कम रहे, कुछ आइडिया नहीं होता, ये सब कुछ वजन में होता है। स्टॉक ज़्यादा है डिमांड कितनी है, डिमांड भी ज़्यादा तो प्राइस ऊपर हो जाती है, स्टॉक ज़्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस नीचे हो जाती है, पूरा देरा मार्केट दोस्तों ऐसे ही चलता है। इसमें कुछ चीज़ फिक्स नहीं होती कि आपको इतने में ही करना है, आपको उतने में ही करना है। वो भाई साहब को आना कैमरा में आ गया भाई साहब, चलो वेरी गुड। अभी रेडमी 7 लेने आए, रेडमी नोट 7 लेने आए लेकिन मिल रहा नहीं। सब कुछ यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक में रहता है। अगर रेडमी नोट 7 का स्टॉक आ गया और प्राइस डिमांड कम हो गई तो रेडमी नोट 7 प्राइस बहुत कम हो जाएगा। रेडमी गो बहुत ही निराशा हुई यार, बहुत निराशा हुई। 4,500 का इंडिया में लॉन्च किया गया रेडमी गो, जो कि दुबई में 200 दिरहम का मिल रहा है, जो कि क्या हो रही है प्राइस 3999 प्राइस हो रही है, 3999 प्राइस हो रही है दुबई में रेडमी गो की। इंडिया में मुझे लगा 2999, भले 3.5 का भी आ जाता दोस्तों, ये भी बहुत था लेकिन बहुत ओवर प्राइस में आया दोस्तों। बस इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रेडमी 7 स्टॉक में आया और मैंने यहाँ पर कुछ अपने यूट्यूबर्स भाई को सेंड किया है। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर, जनता लाइक बनता।